जब मैं छोटा था कि मैं कुछ नाम कमाऊं, आज मेरी लाइफ का। अरे बाजी, आप तो इमोशनल हो गए, मुझे पता है ये आपके लिए बहुत ही ऐसा पल है। मेहनत की है मैंने, गोल्ड लोन भी इस मूवी के लिए लिया है मैंने, मुथूट में गोल्ड छोड़ा है वाइफ का, और फिर उससे पैसे से मैंने इस फिल्म को मैं लेके आया हूँ। रविंदर सर, मैं ना मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा था कि मेरी एंट्री पे क्या बिस्लिंग हो रही है, क्या हूटिंग हो रही है, तो मैं, मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता जो आएगी वो बिस्लिंग भी करेगी, हूटिंग भी करेगी, तालियां भी पीटेगी और सबको बताएगी भी जाके इस फिल्म को जरूर देखो। मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, मैं एक सेकंड भी सो नहीं पाया। मैंने रात में 6 कप चाय पी है और मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो कहते हैं कि वक्त आता है, मेरा वक्त आ जाया। धर्मपत्नी भी, उनका भी पूरा रोल है, वो भी आपके साथ आई हैं सारी रात, वो भी जागती रही, आपको संभालती रही। जी, वो संभालती रही, कई बार तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कभी स्वेट आ रहा था, कभी मैं रो रहा था। जिसका नाम शिंदा होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, डोमिसाइल, कहीं पे भी अगर आपका नाम, स्टेट सब्जेक्ट, कहीं पे भी आपका नाम शिंदा है, आपको इस मूवी की टिकट मेरी तरफ से फ्री है। बड़े ही जोश खरोश के साथ आज अव्वा शिंदा डोगरी फिल्म क्या स्क्रीनिंग हुई और जम्मू के बड़े बड़ी हस्तियां यहां पहुंची और इस फिल्म को आशीर्वाद दिया, ऑल द बेस्ट कहा। और आप यकीन मानिए, जिस वक्त मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये अभी इंटरवल हुआ है और मैं जल्दी ये इंटरव्यू करके वापस फिल्म देखने जाऊँगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा मूवी है जो पेश की गई है। और जैसे कि मैंने पहले इंटरव्यू में कहा था कि ये पहली ऐसी डोगरी फिल्म है जो PVR में दिखाई जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त, सबने बहुत अच्छा किरदार निभाया है और सबसे बड़ी बात, सभी कलाकार जो हैं जम्मू से हैं। और आज मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, हम बॉलीवुड को बहुत सराहते हैं, इनको कभी मौका ही नहीं मिला और जब मौका मिला तो आज काबिलियत दिखा दी इन्होंने। आप सबको एक बार ज़रूर अव्वा शिंदा डोगरी मूवी ज़रूर देखनी चाहिए और आपको खुद फैसला करना चाहिए, मेरी बात मत सुनिए, आप खुद फैसला कीजिए आकर कि ये मूवी में कितने एफर्ट्स लगे हैं और कितने शानदार तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। ये यकीन नहीं होता कि हमारे जम्मू के कलाकारों ने, जम्मू के लोगों ने इसको बनाया है। और आपको एक बार पूरे जम्मू वासियों से कहना चाहूँगा, आपको आकर ज़रूर देखना चाहिए। ये मेन लीड में है DK साहब, बहुत ही ज़बरदस्त किरदार, बहुत ही उम्दा डायलॉग डिलीवरी, हर एक चीज पर बड़ा बारीकी से ध्यान दिया गया है और जाहिर सी बात है लंबा समय लगा है इसको बनाने में। आपको बहुत बहुत मुबारक शिंदा साहब, शिंदा ही कहूँगा मैं आपको, क्योंकि आपका नाम मुझे लगता है आज के बाद DK लोग भूल जाएंगे, आपको शिंदा ही कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी ग्रैंड ओपनिंग की है आपने? सर, बहुत खुश हूँ, बहुत भावनाओं से भरा हूँ, बहुत इमोशनल हूँ, बहुत बारी आंसू भी निकल आए मेरे, क्योंकि मेरे फादर साहब 20 साल पहले एक्सपायर हुए थे, तो उनकी बचपन से इच्छा थी जब मैं छोटा था कि मैं कुछ नाम कमाऊँ, आज मेरी लाइफ का। अरे पाजी, आप तो इमोशनल हो गए, मुझे पता है ये आपके लिए बहुत ही ऐसा पल है। ये फिल्म कामयाब होगी, आप यकीन मानिए ये फिल्म कामयाब होगी। मैं मूवीज देखता हूँ, इसको देख कर मैं कह सकता हूँ कि ये कामयाब होगी, भागकर होने की जरूरत नहीं। मुझे पता है दिल धड़कता है जब इतनी मेहनत लोगों को दिखानी होती है, क्या फीडबैक रहेगा, लेकिन बहुत ही शानदार है ये। आपके पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ है, ये बहुत कामयाब मूवी होगी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, पूरी मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, हर एक उस इंसान का धन्यवाद करता हूँ जो इस फिल्म के पीछे है, जिन्होंने क्रू मेंबर से लेकर डायरेक्शन की, जिन्होंने स्टोरी लिखी, जिन्होंने डायलॉग्स लिखे, जिन्होंने प्रोड्यूस किया, जिन्होंने एक्ट किया, जिन्होंने म्यूज़िक बनाया और जिन्होंने इसमें गाने गाए, हर एक इंसान जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने थोड़ी बहुत स्पॉन्सर किया हमें इस मूवी को यहाँ पहुँचाने के लिए, मेरा ड्रीम आपने पूरा किया है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर एक इंसान, हर एक आम आदमी जो घर पर एक मिडिल क्लास आदमी है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है, जो अपने सपने तो बुनता है लेकिन उन सपनों को उतार नहीं पाता है कैनवास के ऊपर, वो सपने ज़रूर देखो, ईश्वर पर विश्वास रखो, मेहनत रखो। और कहते हैं कि कर्म, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि कर्मा करो, कर्मा करते जाओ, एक दिन आपकी सुनवाई होगी। DK साहब, आपने पहले भी मुझे कहा है कि आप बॉलीवुड में भी काम कर चुके हो, बाटला हाउस में आपने काम किया है, लेकिन आज आपका वो काम दिखा, वो मेहनत दिखी पर्दे पे, लोगों ने जब तालियां पीटी, जब आप आए, डायलॉग डिलीवरी इतनी ज़बरदस्त थी, ऐसा लग रहा था कि हम बॉलीवुड की कोई मूवी देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोगों से क्या कहना चाहते हो, ये कब, आज तो स्क्रीनिंग है, कब रिलीज़ हो रही है, क्या टाइमिंग रहेगा, वो सब कुछ बताएं हम लोगों को, वो जानना चाहते हैं।
ये आज इसकी स्क्रीनिंग हुई है, मीडिया बंधुओं के साथ कुछ हमारे अतिथिगण थे उनके साथ हमने ये फिल्म रिलीज़ की है। कल 12, 13, 14, 15, 16, 17 छः दिन डेली ये 12:30 से 1 बजे के बीच ये मूवी जो है यहाँ पे चलेगी। तो जो डोगरी लवर्स हैं, डोगरी प्रेमी हैं, डोगरी के जो जो डोगरी के फ़ैन हैं, जो माँ बोली के फ़ैन हैं, हमारी माँ डोगरी के फ़ैन हैं, वो ज़रूर यहाँ पे आएँ। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने गोल्ड लोन भी इस मूवी के लिए लिया है, मैंने मुथूट में गोल्ड छोड़ा है वाइफ का, और फिर उससे पैसे से मैंने इस फिल्म को मैं लेके आया हूँ। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ बार बार कि जरूर इस फिल्म को देखें। गोल डबल होके वापस आएगा मूवी, इसलिए नहीं कह रहा कि आपने मेहनत की है, इसलिए की है कि कामयाब मेहनत की है, लोग अंदर तालियां पीट रहे हैं, इतना जबरदस्त काम आपने किया है। अब एक चीज और बताएं, आज सुबह स्क्रीनिंग थी, सब मीडिया के लोग यहां आने थे, क्रिटिक्स भी अंदर बैठे होंगे, क्रिटिक्स भी अंदर बैठे मूवी देख रहे होंगे, इसके बाद अपने व्यूज देंगे। रात कैसे बीती, दिल में धक धक हो रहा था, पता नहीं क्या अंजाम होगा इस मेहनत के साथ। मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, मैं एक सेकंड भी सो नहीं पाया, मैंने रात में 6 कप चाय पी है और मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो कहते हैं कि वक्त आता है, मेरा वक्त आ जाया। तो मैं बहुत कई सालों से इस चीज़ का वेट कर रहा था कि शायद आज मेरे पापा जहाँ पे भी होंगे वो ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे कि मैंने प्रूव किया है। मैंने हर उस बच्चे के लिए एग्जाम्पल सेट की है जिसके माँ या बाप बचपन गुजर जाते हैं या उसे मतलब जवानी में छोड़ देते हैं, किसी कारण वो चले जाते हैं। हाँ, हिम्मत मत हारिए, वो कहीं ना कहीं अदृश्य शक्ति के रूप में आपको सपोर्ट करेंगे, अपने सपनों को पूरा कीजिए। आपकी धर्मपत्नी भी, उनका भी पूरा रोल है, वो भी आपके साथ आई हैं सारी रात, वो भी जागती रही, आपको संभालती रही। जी, वो संभालती रही, कई बार तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कभी स्वेट आ रहा था, कभी मैं रो रहा था, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपनी माँ को नहीं बताई। मेरी माँ दूसरे रूम में थी, उसको मैंने ये नहीं बताया कि इतना प्रेशर है। मेरी माँ बड़ी भोली सी है, उसने कहा कि कल तेरा क्या है, मैंने कहा मेरा कल एक फंक्शन है छोटा सा। अब जब वो मीडिया पे देखेगी, जब वो अपनी फेसबुक वो चलाती कम है, मैं खोल के दूंगा, तब वो उनको दिखेगा कि इतना बड़ा हमने धमाका कर दिया आज। मैं उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, मैंने सारा स्ट्रेस खुद पे लिया है। आज जब स्क्रीनिंग चल रही है अंदर, आपने मूवी देखी या लोगों का रिएक्शन पढ़ते रहे, बस जो वो हुटिंग होती थी, जो तालियां पीटती थी, वो देखकर खुशी होती थी कि हाँ मैंने। मैं रविंदर सर, मैं ना मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा था कि मेरी एंट्री पे क्या बिस्लिंग हो रही है, क्या हूटिंग हो रही है। तो मुझे बहुत प्यार मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता जो आएगी वो विस्लिंग भी करेगी, हूटिंग भी करेगी, तालियां भी पीटेगी और सबको बताएगी भी जाके इस फिल्म को जरूर देखो। आपने एक बात कही थी, जिसका नाम शिंदा होगा, क्या जिसका नाम शिंदा होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, डोमिसाइल, कहीं पर भी अगर आपका नाम स्टेट सब्जेक्ट, कहीं पर भी आपका नाम शिंदा है, आपको इस मूवी की टिकट मेरी तरफ से फ्री है। ऐसे टिकट कितने की है वैसे? टिकट सिर्फ 150 रुपए की है, 150 पीवीआर में टिकट आपको नहीं मिलती है, हमने ये पीवीआर से बात की है। ये फिल्म का भविष्य फैसला करेगा कि डीके साहब आगे डोगरी पे काम करेंगे या नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल विशुद्ध सत्य ये फैसला करेगा, ये बिल्कुल आपने कटु सत्य बोला है। मुझे लगता है फैसला हो गया, फैसला आप फिल्म करने जा रही है, ये कामयाब मूवी है। अरविंदर सर, मैं पहले 6 दिन देखूंगा, अगर एक्सटेंड होती है फिर मेरा हौसला बढ़ेगा, फिर मैं हिम्मत जुटाऊंगा दूसरी फिल्म। मैं व्यूअर हूँ, मैं देख के आया हूँ, मैं कह सकता हूँ कि आपको 6 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अगले प्लॉट पे काम शुरू कर दीजिए, ये कामयाब है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डोगरी को प्रमोट करने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कहने से बात नहीं बनेगी जनाब, कहने से बात नहीं बनेगी कि हम डोगरी को प्रेम करते हैं, डोगरी को सामने लाओ, लाया डीके साहब ने लाया, अब आपको अप्रिसिएशन देना है, अब आपको कामयाब बनाना है, अब आपको फैसला करना है कि आगे जम्मू में आप डोगरी पर काम होता हुआ देखना चाहते हो या नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने गोल्ड लोन लिया है, इस पर अपना सारा गोल्ड एक लोन फर्म के आगे रख दिया, वहाँ से पैसा लिया, ये मूवी बनाई, अब आप लोग फैसला करोगे कि मैं आगे डोगरी के लिए काम करूं या नहीं। और मुझे लगता है कि आपने फैसला सुना दिया है। डीके साहब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आएंगे आपके आशीर्वाद से, आप सबको एक बार, पूरे जम्मूवासी को एक बार KCPVR में आकर आऊँ शिंदा को आशीर्वाद देने जरूर आना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।